नमस्कार दर्शक बंधु, शुभ सकाल, गुड मॉर्निंग ओडिशा। मु शक्ति आउ आपनकु स्वागत करुछि आमर ए चैनल आजिरो ताजा खबर को। तो चलंतु नजर पकेबा आजिरो बछा बछा खबर उपरे। तो ता पूर्वरु जदि आपन माने आमर ए चैनल ले नुवाई वीडियो देखचोंती, पूर्वरु सब्सक्राइब करनाती, तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को बजे रखथांतु, जाद्वारा कि प्रतिदिन खबर आपन माने सर्वप्रथमे जानि परिबे। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 रहिछि सारा विश्व देखिला हॉकी महाकुंभर उद्घाटन उत्सव। रंगारंग कार्यक्रम शुभारंभ कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, कहिले अतिथ्य देवरे रहिछि ओडिशार सुनाम। विश्व देखिला हॉकी महाकुंभर उद्घाटन उत्सव। रंगारंग कार्यक्रम रे दुलिक उठिला कटक बारबाटी स्टेडियम, मनमोहिला बॉलीवुड स्टार को जलवा। एथिस हॉकी पुरुष विश्वकप 2023 उद्घाटन होइछे। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हॉकी विश्वकप ट्रॉफी को उद्घाटन करिछंती। हजार हजार दर्शकों उपस्थित रे आयोजित उद्घाटन समारोह रे मुख्य आकर्षण साजिछंती बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह। यासो बॉलीवुड ब्यूटी दिशा पाटिल को जलवा मध्य दर्शकों मन जिणीछे। तेबे जनाशुणा संगीत निर्देशक प्रीतम का बैंड दर्शकों खूब मनोरंजन करिछे। ता सांग को पारंपरिक ओडिया गीत रे ताले ताले झुमिछंती उपस्थित दर्शक। बारबाटीर चिताकर्षक कार्यक्रम रे सामिल होइथिले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर। मुख्यमंत्री और केन्द्रमंत्री उपस्थित रे हॉकी महाकुंभर शुभारंभ होता। यह अवसर में समस्त अतिथि को स्वागत करने सहयोग पर प्रधानमंत्री और केन्द्र सरकार को धन्यवाद देते नवीन पटनायक। आपण मैंने खुशी तो कटक उद्घाटन उत्सव आयोजित होपण मैंने खुशी तो मु भी बहुत खुशी। मुख्यमंत्री एभली कही स्टेडियम उत्साह भरवासा तार आतिथ्यता को नहीं प्रसिद्ध। यही हॉकी विश्वकप आयोजन अवसर ओडिशा को आसी अतिथि माने यही परिचय को आहुरी आग को नेबारे सहायक हेबे। आपण माने खुशी तो मु बहुत खुशी। देखा परवर्त खबर। ओटीटी परीक्षा त्रुटि थिबा अभिजोग, बोर्ड ऑफिस आगे विक्षोभ, शताधिक शिक्षक और शिक्षयित्री को सामिल। कटक बोर्ड ऑफिस आगे शिक्षकों विक्षोभ, ओटीटी परीक्षा त्रुटि रही अभियोग करी बोर्ड ऑफिस आगे विक्षोभ प्रदर्शन करिछंती शताधिक शिक्षक और शिक्षयित्री। गत अगस्ट 29 रे बोर्ड पक्षर स्पेशल ओटीटी परीक्षा होता, तेज यार परीक्षा फल प्रकाश पाई जो थे आगु अधिक शिक्षक पास कर पारिना। स्पेशल ओटीटी परीक्षा दे 31,492 जन पास कर मात्र 16,171 शिक्षक। यह परीक्षापी 32,488 जन शिक्षक फर्म पूरण करते हैं, पास कर 16,171 जन। प्रथम पेपर में 11,955 जन शिक्षक और पेपर दुई में 4,216 जन पास कर मोट पास हार 39.84 प्रतिशत रही जमापड़े। ओटीटी परीक्षा में बारंबार फेल होता शिक्षक मान लगी गत अगस्ट 29 में बोर्ड पक्षर स्पेशल ओटीटी परीक्षा कर प्रतिवाद कर शिक्षक और शिक्षयित्री कहते यदि बोर्ड आवश्यक पदक्षेप ग्रहण न कर ताहले आत्मोहुति देबे बोली कहिछंती। अदेखा प्रवृत्ति खबर। एथर सेनारे आर्टिलरी रेजिमेंट संभालिबे महिला, सेना मुख्य देले सूचना। फाइटर जेट्स आकाश रे उड़ुथवा फ्रंटलाइन युद्धपथरे सेवा परे एबे घातक मरणास्त्र बा आर्टिलरी रेजिमेंटर दायित्व नेबे महिला। एथिबे सरकार को प्रस्ताव देइछंती सेना मुख्य मनोज पांडे। मनोज पांडे सूचना देइछंती जे सेनार आर्टिलरी महिला ऑफिसर को कमिशन देवार प्रस्ताव सरकार को दिया जाए छे। खूब शीघ्र एको स्वीकृति मिलिजो बोली मनोज पांडे कहिछंती। महिला अधिकारी को स्थायी कमिशन परे आर्टिलरी रेजिमेंट रे सामिल करजिवार योजना महिला सशक्तिकरण बाटरे एक बड़ पदक्षेप बोली से कहिछंती। सूचना मुताबक सेनारे 280 रु अधिक आर्टिलरी रेजिमेंट रहिछे। एथिरे 105 मिमी फील्ड गन, बोफोर्स हाजितोर और अफगन धनुष और सारंग गन ठारु आरंभ कर M777 अल्ट्रा लाइट और अनेक घातक रकेट रही। अधिका प्रवृत्ति खबर। हॉकी विश्वकप स्वतंत्र रेल व्यवस्था। पूर्वतन रेलपथर चलो 2 नुआ ट्रेन। जनवरी 2023 भुवनेश्वर और राउरकेला अनुष्ठित होगा हॉकी पुरुष विश्वकप समय जात्री चाहिदा और अतिरिक्त जात्री भिड़ को दृष्टि रखी एवं रेल जात्री मानक उत्तम यात्रा सुविधा विशेष भाव हॉकी प्रेमी को स्वतंत्र ट्रेन सेवा जोगाइ देवाई पूर्वतट रेलपथ निष्पत्ति नहीं। तेज एथिपाई पूर्वतट रेलपथ तरफ स्वतंत्र ट्रेन चलाचल आरंभ हो 02-834 भुवनेश्वर राउरकेला स्पेशल भुवनेश्वर 14-30 जनवरी 2023 मध्य प्रत्येक सोमवार बुधवार गुरुवार एवं शनिवार दिन मानक संध्या 8:25 राउरकेला जात्रा करिबो। तेबे फेरिबा मार्ग 02-833
राउरकेला भुवनेश्वर स्पेशल राउरकेला ठारु 15-31 जनवरी 2023 मध्ये प्रत्येक मंगलवार गुरुवार शुक्रवार एवं रविवार दिन मानक राति 11:25 रे भुवनेश्वर यात्रा करिवो। प्रति खबर रूस युक्रेन युद्धर भयंकर परिणति। रूस और युक्रेन युद्ध नुआ युद्धनीति प्रस्तुत करछंती पुटिन। क्रेमलिन सेना को शक्तिशाली करबाकु गुप्त रणनीति। रूस और युक्रेन भितर जारी रही युद्ध विश्व युद्धर रूप नेबा आशंका देखाई तेज युक्रेन को सामाल करने को रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुटिन को नुआ रणनीति जहाँकि युक्रेन उपर सामरिक प्रत्यार जाहिर करने को राष्ट्रपति पुटिन तैयार करध्वंसक युद्ध प्लान। निज सेना बल को आहरी अधिक मजबूत करने आक्रमणात्मक करने योजना प्रस्तुत कर सारी तेज अंपक्ष आमेरिका पोलांड और नाटो देशगुड़ पक्षर युक्रेन सेना सहायता घातक युद्धास्त्रगुड़ एकजुट कर लगी। प्रवृत्ति खबर केन्द्र मागणा चाउल बंटन में होजनार ना परिवर्तन। केन्द्र कैबिनेट निष्पत्ति नुआ ना है जातीय खाद्य सुरक्षा आईन अधीन केन्द्र सरकार जो मागणा चाउल बंटन करेंगे से ही योजनार ना को परिवर्तन करिछन्ति। कोविड समय गरीब परिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजन मासक 5 केजी लेखाएं मागणा चाउल बंटा जाता तेरे जनवरी 1 तारिखर यह बंद कर दि जाए। आउ खाद्य सुरक्षा योजन जो चाउल 1 टंका मिलूला ताको मागणा कर दि जाए। तेरे गतकाली केन्द्र कैबिनेट बैठक में मागणा चाउल योजनार ना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना करोजन दि जा चाउल मूल्य किलो पिछा 32.91 पैसा एथरु केन्द्र 29 टंका देउथा बळे राज्य सरकार 2.76 पैसा और हिताधिकारी 1 टंका देउथिले। एणिकी सबु टंका केन्द्र सरकार देवे। एही योजना फल राज्यर 3,24,574 लोक उपकृत हेबे। अधिका प्रवृत्ति खबर आईआईटी एनआईटी रे नामलेखार नुआ नियम युक्त 2 रे 75% अनुसूचित जाति जनजाति 65% रखा निहाती जरूरी। एणिकी आईआईटी एनआईटी रे नामलेखापी हेले युक्त 2 रे 75% मार्क रखा जरूरी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एभली एक नियम जारी करिछे। तबे युक्त 2 रे 75% रखिले साधारण वर्गर पिला नामलेखापी अनुमति मिल। अनुसूचित जाति जनजाति 65% रखा जरूरी कही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तबे आईआईटी एनआईटी और सीएफटीआई रे नामलेखापी मानदंड परिवर्तन पई दाबी होई आसुथिला तबे यहाँ शिक्षा मंत्रालय एथिरे संशोधन करिछि। जो मैंने जेई मेन आधार रैंक हासिल करी आईआईटी एनआईटी और सीएफटीआई रे नामलेखापी योग्य बेचित हे से 75% मार्क रखिले ही नाम लेखाइबा को सुजोग पाइबे। या छड़ा द्वादश परीक्षा टॉप 20 रे रहुथवा छात्र छात्री को मिलिबा अनुमति। अदेखा प्रवृत्ति खबर जारी रही शीतर प्रकोप उत्तर ओडिशा अनुभूत होब अधिक शीत उपकूल ओडिशा पड़े कुहुड़ी। जारी रही शीतर प्रकोप उत्तर ओडिशा अनुभूत होब अधिक शीत उपकूल ओडिशा पड़े कुहुड़ी। आसंता 6 दिन सर्वनिम्न तापमात्रा होपे सामान्य परिवर्तन। 12-15 तारीख मध्य भुवनेश्वर तापमात्रा 15-17 डिग्री मध्य रटक 14-17 डिग्री और राउरकेल 9-12 डिग्री मध्य रही समय मध्य अधिकांश स्थान में कुहुड़ी पड़े। आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशक एतार विश्वास यही सूचना देते तेरे शनिवार शीत बढ़ 13 तारीख राति सारा राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा 2-3 डिग्री बढ़ा जो शीत कम। तबे पानीपाग विशेषज्ञ कहते जे जनवरी 12 और 13 तारीख राज्य में आहरी शीत कम। शनिवार पुणी शीत बढ़ 13 तारीख राति सारा राज्य में सर्वनिम्न तापमात्रा 2-3 डिग्री बढ़ा जो शीत कम। तबे 13 तारीख उत्तर उपकूल और आभ्यंतर उत्तर ओडिशा उत्तरा पवन बह तेणु 14-15 तारीख 3 डिग्री कम रही बेले 17-18 तारीख पुणी 3 डिग्री कम जो शीत अधिक अनुभूत हो। दक्षिण आभ्यंतरण ओडिशा 14 और 15 2-3 डिग्री कमी 18 तारीख सुधा अपरिवर्तित रहिबो। तबे 16-18 तारीख पर्यंत कुहुड़ी अधिक पड़िबो। भुवनेश्वर समेत दक्षिण उपकूल और संलग्न जिले में 16-18 पर्यंत पाग आंशिक मेघुआ रहिबो। कुहुड़ी पड़िबो अल्प केतेक स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे एवं किछि स्थान में हल्का वर्षा सह मध्यम धरण वर्षा हेबो। सर्वनिम्न तापमात्रा 2-3 डिग्री बढ़िबा जोगु शीत कम रहिबो। प्रति खबर पिला 2 टी कप सिरप न देवाक परामर्श। आम्ब्रोनल और डीओके 1 सिरप ही 18 पिला मृत्यु घटना उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान पिला भारत 2 टी कप सिरप न देवाक परामर्श। विश्व स्वास्थ्य संगठन बुधवार दिन परामर्श देती जहाँकि नोएडा स्थित औषध कंपानी मारियान
बायोटेक द्वारा निर्मित दुईटी काश सिरप को नहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन परामर्श दे दुईटी औषध हो आम्रोलन और डीओके वन सिरप बुधवार दिन जारी कर मेडिकल प्रोडक्ट सतर्क सूचन विश्व स्वास्थ्य संगठन कही मारियन बायोटेक द्वारा प्रस्तुत उक्त औषधगुड़िक निम्न धरणर उत्पाद अटे। अधिक प्रवृत्ति खबर कमिला चाउल परिमाण मागणा राशन ने लोक बड़ झटका सरकार कमाइले चाउल कोटा जानतु एबे केते मिलिबो जदि आपण जने राशन कार्ड धारी ओ प्रति मासरे सरकारक द्वारा परिचालित मागणा राशन योजनार लाभ उठाउछंती तबे एही खबर आपणक पई बेस गुरुत्वपूर्ण। तेलंगाना सरकार राशन योजनार नियमरे एक बड़ परिवर्तन करिछंती। राशन कार्ड थिवा समस्त 91.5 लाख परिवार को राज्य सरकार मागणा चाउल बंटन आरंभ करिछंती। तबे 3 मास पर्यंत मिलिबो 5 किलो चाउल। राज्य सरकार को नुआ व्यवस्था अनुजाई हिताधिकारी परिवार प्रत्येक सदस्य आसंता 3 मास जहाँकि जानुरी मार्च मास पर्यंत 5 किलोग्राम चाउल दिजिव अर्थात प्रत्येक मास आधार रे 1 किलोग्राम चाउल कम दिजिव तेरे हिताधिकारी 6 किलोग्राम चाउल देवार व्यवस्था रही नियम अनुजाई एप्रिल मसरु 6 किलोग्राम चाउल जोगाण आरंभ हो। देखा प्रवृत्ति खबर एणिक कॉइन न ने जेल जीवे खुचरा कॉइन न ने जेल बैंक जनसाधारण व्यवसायी विरुद्ध हेब कड़ा कार्यानुष्ठान स्पष्टीकरण देला आरबीआई। साधारण भाव कॉइन बजार में संतुलन रक्षा करने उद्देश्य केन्द्र सरकार 1 टंकिया 2 टंकिया 5 टंकिया और 10 टंकिया कॉइन प्रचलन करिछंती। मात्र अनेक समय राज्यर किछि अंचलर दोकानी व्यवसायी और जनसाधारण यहाँ नेबाको कुंठाबोध करिथांती। तबे वर्तमान राज्यर अनेक स्थान में कॉइन चलू नथिबा खबर नहीं विभिन्न महलरु तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाई। कॉइन ग्रहण करुनथिबा व्यक्ति आईन अनुसार दंडित हेबे बोली भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई आंचलिक कार्यालय पक्षरु स्पष्ट कर दैछे। तबे कॉइन न नेले कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछु बोली आरबीआई पक्षरु स्पष्टीकरण दिजबा परे यहाँ अनेक समर्थन करिछंती। कॉइन मामलें जड़े व्यक्ति को 7 वर्ष पर्यंत जेल दंड और जरिमाना नहीं व्यवस्था रही किसी वरिष्ठ आईनजीवी मत देपरिक कॉइन ने मना कर संस्था विरुद्ध में मसे जेल दंड लगू नहीं आसपे धारा 188 रे नियम रोकवा कहुचे। तबे आरबीआई जो नियम प्रणयन कै ताक देश में समस्त बैंक गुड़िक पालन करने जरूरी जो बैंक खुचरा टंका ग्रहण करने को मना करुद्ध जनसाधारण थाना रे अभियोग दाखल करेंगे। इंडियन करेन्सी आक्ट भारतीय पिंगला धारा रे बैंक विरुद्ध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करवसायी विरुद्ध में थाना रे अभियोग दाखल करहब। तबे सूचनाजोग्य निकट में राजधानी भुवनेश्वर कटक ब्रह्मपुर बालेश्वर सहित किसी उपकूलवर्ती जिले में कॉइन न चलिबा को नहीं उद्वेग प्रकाश पाई। व्यवसायी मैंने खुचरा टंका न नहीं थारु जनसाधारण को अनेक समस्या सामना करने को पड़ता एपरिक बालेश्वर बापा झी को गोटे बैंक यही मामलें फेरईदे घटना को नहीं चारिड़े चर्चार विषय पलटिता। तेणु नियम उल्लंघनकारी गुजबकारी विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण विभिन्न संघ और जनसाधारण पक्ष नवेदन खबर विपद से गर्भगृह और रत्न श्यासन श्री अंग को विपद मूषा असुरपा रत्न श्यासन चारिपटे घूरी बुलुंती। महाप्रभु श्री जगन्नाथ गर्भगृह और रत्न श्यासन में घूरी बुलुंती बड़ बड़ मूषा असुरपा जहाँकि महाप्रभु श्रीअंग विपद साज्य बोली कहुचे। एमती परिस्थिति सृष्टि होती सेवायत मैंने श्रीअंग पाखक जावा बेले असुविधार सम्मुखीन होती तेरे से जाता बेले मूषा और असुरपा प्रतबंधक साजुंट तबे यही समस्या दीर्घ दिन हेब लागि रहिथिले मध्य श्रीमंदिर प्रशासन पक्ष एने कौनसी ठोस पदक्षेप ग्रहण करा मूषा असुरपा श्रीअंग को नष्ट करुथा बेले श्रीअंग और खंडुआ पाट को भी नष्ट कर देउछंती। तबे प्रशासन पक्षर मूषा को धरियापाई जदिओ बहुबार पदक्षेप नियाजाइछि तथापि यह सफल हो पारिना जड़े सेवायत कहते प्रभु बेश समय असुरपा मुंड उपरे चलुथिबा बेले मूषा चारिपटे घूरी बुलुंती। से भंडार घरे मूषा और असुरपा भर्ती होती से आहरी एने दीर्घ 20 वर्ष हेब प्रशासन दृष्टि आकर्षण करोसी पदक्षेप निया मूषा धरियापी कलाहाट दुआरे जनता बसुले मूषा से पड़ुना। अदेखा प्रवृत्ति खबर सबुदिन अंडा खाऊ सवधान रिसर्च रु बड़ खुलासा प्रत्येक दिन अंडा खावा द्वारा होता है हार्ट आटाक। आजिकल हृदघात जनित मृत्यु मामला द्रुत गति में वृद्धि पावार लगी
ଫଳରେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହାର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସେମାନଙ୍କର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଏହି ହୃଦଘାତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ହୃଦଘାତ ସମସ୍ୟାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାଏ, ଫଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରୁ ହୃଦଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯାହାକି ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ଅନେକ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଯାହାକି ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ଏହା ଶରୀରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତେଣୁ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ହୃଦଘାତ ସହିତ ଅଣ୍ଡାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେବେ ହେଲ୍ଥ ଲାଇନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଏହା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ହୃଦଘାତ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଣ୍ଡାରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ହୃଦଘାତ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଣ୍ଡା ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ମିଳିବ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା। UNSC ର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ହେବ ଭାରତ। ସର୍ଭେ ଓ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କ'ଣ କହୁଛି? ଦିନକୁ ଦିନ ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ, ଆତଙ୍କବାଦର ବିଲୋପ ସହିତ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱର ମହାଶକ୍ତିମାନେ ଭାରତର ସହଯୋଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତ G20 ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତର ମିଳିତ ଜାତୀୟସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ UNSC ର ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବିଶ୍ୱରେ UNSC ପରି ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଭାରତକୁ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏକ ସର୍ଭେ ମୁତାବକ ଆସନ୍ତା 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି UNSC ର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ଭାରତର ସଦସ୍ୟତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ UNSC ରେ 15 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ 5ଟି ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଥିବା ବେଳେ 10ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ରୁଷ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଚୀନ ରହିଛନ୍ତି। ଅସ୍ଥାୟୀ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନେ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ କେବଳ ଚୀନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟ ନେଇ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନାଇଜେରିଆ ଓ ବ୍ରାଜିଲ ପରି କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସ୍ଥାୟୀ ସଦସ୍ୟତା ମିଳିବାର ଅନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଭାରତର ସଦସ୍ୟତା ନେଇ 26% ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପ୍ରତି ଖବର, ମାତିଲା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ 1800 କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମାତିଲା ବାର୍ଡ ଫ୍ଲୁ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ 1800 କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କେରଳର କୋଝିକୋଡ଼େ ଜିଲ୍ଲାର ସରକାରୀ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ବୁଧବାର H5N1 ଭୂତାଣୁ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମକ ଓ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ପରେ କେରଳ ପଶୁପାଳନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ ଚିନ୍ନୁ ରାଣୀ ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚିନ୍ନୁ ରାଣୀ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ଅନୁସାରେ ଭୂତାଣୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଭୋପାଳରେ ଥିବା ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ସାମ୍ପଲ୍ ପଠାଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସରକାରୀ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ 5000 କୁକୁଡ଼ା ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 1800 କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସହଯୋଗରେ କୁକୁଡ଼ା ମରା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି।